दूसरी खबर आपको जो दिखाने जा रहा हूं वो एक ऐसी खबर है जिसको देखकर आप चौंक जाएंगे। हम झारखंड में रहते हैं, यहां विकास के तमाम दावे किए जाते हैं, रेलवे खास तौर पर रेलवे के मामले में तो अब तो अमृत भारत योजना के तहत कई रेलवे स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है, नव निर्माण किया जा रहा है, लेकिन झारखंड में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो बेनाम है। जी हाँ, जिसका कोई नाम नहीं है। जब उस स्टेशन पर ट्रेन रुकती है तो यात्रियों को पता ही नहीं चलता है कि हम रुके कहाँ हैं, हमें जाना कहाँ है और हम कैसे पहुंचेंगे वहां तक। ये स्टेशन लोहरदगा से पहले एक इलाका पड़ता है, बड़की चापी इलाका। बड़की चापी नाम से इस स्टेशन का टेंडर करवाया गया, करोड़ों रुपए फूंक कर रेलवे स्टेशन बनाया गया, लेकिन रेलवे स्टेशन बनने के बाद 2018 में रेलवे स्टेशन बना, लेकिन आज 2023 खत्म होने को है, इस रेलवे स्टेशन का नामांकन नहीं हो सका। इसके पीछे की वजह बताई जाती है कि बड़की चापी और कमले गांव, दो गांव के बीच विवाद है जिसके कारण यह रेलवे स्टेशन नामांकित नहीं हो सका, इस रेलवे स्टेशन का नामांकन नहीं हो सका। हालांकि इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन तत्कालीन मंत्री रह चुके सुदर्शन भगत जी ने किया था, उसके बावजूद भी रेलवे स्टेशन का नामांकन नहीं हो सका। जब हमने इस मामले में रांची के DRM से बात की तो वो भी बगले झांकते ही मिले, उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। उनका ये तो कहना था कि जानकारी हमें मिली है, लेकिन पूरा मामला क्या है इस पे कह पाना अभी मुश्किल है, मैं भी पता करता हूं। जी हाँ, हम रांची रेल मंडल के लोहरदगा जिले के अंतर्गत बड़की चापी स्टेशन की बात कर रहे हैं। बड़की चापी एक स्टेशन है, आप जब रांची रेलवे स्टेशन या किसी भी रेलवे स्टेशन में जाएंगे, बड़की चापी का टिकट कटवाएंगे, आपको बड़की चापी रेलवे स्टेशन का टिकट मिल जाएगा। लेकिन फर्ज कीजिए कि आपको रांची से बड़की चापी जाना है, आप जाके ट्रेन में टिकट कटवाते हैं और बड़की चापी स्टेशन पर जब ट्रेन रुकती है तो वहां आपको कहीं बड़की चापी नाम लिखा हुआ दिखता ही नहीं है। आप पूरा स्टेशन झांकते रहते हैं लेकिन कहीं पे बड़की चापी लिखा हुआ नहीं है। होता यह है कि आप बड़की चापी से आगे बढ़ते हुए लोहरदगा नहीं तो कई बार पलामू तक पहुंच जाते हैं और वहां से बस पकड़कर आपको बड़की चापी आना पड़ता है। ये यात्रियों के लिए ये आमतौर पर हर रोज की समस्या हो गई है, लेकिन रेलवे करोड़ों रुपए फूंकने के बाद भी कान में तेल डालकर सोया हुआ है। रेलवे को इस बात से कोई मतलब नहीं है, रेलवे के अधिकारियों पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मामला बहुत गंभीर है। महिला यात्रियों का आरोप है कि बड़की चापी स्टेशन पर ना तो शौचालय है ना पीने के पानी की व्यवस्था। इसका मतलब है कि बड़की चापी स्टेशन को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया है, लेकिन जनता के जो करोड़ों रुपए वहां फूके गए हैं, रेलवे ने जो करोड़ों रुपए फूक कर स्टेशन तैयार किया है, उन पैसों का हिसाब कौन देगा? कौन देगा आम जनता को, कौन देगा रेलवे के पदाधिकारियों को? यह जवाब रेलवे के अधिकारियों को देना चाहिए। देखिए यह खास रिपोर्ट। रांची रेल मंडल अंतर्गत लोहरदगा मार्ग पर एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां ट्रेन रुकती है, लोग इस स्टेशन के जरिए यात्रा भी करते हैं, लेकिन स्टेशन का नाम क्या है ये कहीं लिखा हुआ नहीं। बताया जाता है कि 2018 में बड़की चापी के नाम से इस स्टेशन का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत भी शामिल हुए थे। उस समय बड़की चापी के नाम से स्टेशन का उद्घाटन तो हो गया, लेकिन बाद में कमले गांव के ग्रामीण नामकरण का विरोध करने लगे, जिसके कारण स्टेशन पर नामकरण का कोई बोर्ड नहीं लगा है। इस स्टेशन का नाम बड़की चापी है, एक कमले गांव में पड़ता है, तो कमले गांव वाले लोग बड़की चापी लिखने का विरोध करते हैं। एक आपके रांची रेल डिवीजन के अंतर्गत एक स्टेशन आता है बड़की चापी स्टेशन। हाँ जी, आता है। टिकट विकट भी कटता है वहां का। अच्छा, लेकिन स्टेशन जो है आज तक बेनामी है। 2018 में स्टेशन का उद्घाटन हुआ था, हमने भी देखा, वहां गए थे जी। तो सुनते हैं कि वहां दो गांवों के बीच कुछ तकरार है, इसका क्या नाम होना चाहिए ये हमको सुनने में आया है जी। तो क्या चाहते हैं? नहीं, हम आपसे जानना चाह रहे थे कि 2018 में उद्घाटन हुआ है, करोड़ों रुपए लगाकर स्टेशन बनाया गया, टिकट भी काट रही है रेलवे, इसका मतलब स्टेशन हुआ है, तो क्या इसमें रेलवे का क्या कदम होगा अगला? मैं एक बार पता करता हूँ क्या इसमें कि हिच क्या है और क्यों स्टेशन का नाम लिया। आप क्या बेसिकली ये कह रहे हैं कि स्टेशन का नाम वहां लिखा नहीं गया है, यही ना? स्टेशन का कहीं नाम भी लिखा हुआ नहीं है, मतलब अगर कोई बाहर का आदमी आए तो ये समझ ही नहीं पाएगा कि बड़की चापी कहाँ पे है। तो स्टेशन पे कहीं भी ये नाम नहीं लिखा हुआ है? भी नहीं लिखा हुआ है, जो आए हैं मेरे पास, जो खबर आई है जी, उसमें कहीं भी नाम नहीं है। हम पता करते हैं एक बार इसमें क्या मतलब अंदर की बात क्या है और क्यों वजह, जो हमको कर्सरीली किसी ने बताया था कि वो कुछ वो दो गांवों के बीच कोई विवाद है जी।
और हम एग्जैक्ट सिचुएशन पता करते हैं, तो सुनी सुनाई बात है। नहीं, जो हमारी सूचनाएं हैं कि विवाद तो है, लेकिन 5 साल पहले अगर उद्घाटन हुआ है, आज 2023 चल रहा है, और रेलवे ये अपने मतलब करोड़ों रुपए लगाने के बाद एक स्टेशन बनाता है, रेलवे स्टेशन बनाता है, सरकार का पैसा लगा हुआ है और उसका नामांकन तक नहीं होता है, तो ये तो गंभीर सवाल है। नहीं बिल्कुल, मैं पता कराता हूँ कि इसमें क्या हिच है, क्या इसमें अड़चन है और कैसे इसको समाधान किया जा सकता है, पता कराते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो स्टेशन का निर्माण कमले गांव में हुआ है, जबकि नामकरण बड़की चांपी के नाम से किया जा रहा था, जिसका कमले गांव के लोगों ने विरोध किया। बताया जाता है कि बड़की चांपी स्टेशन से करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर है। नाम की जद्दोजहद में शामिल इस स्टेशन पर बुनियादी सुविधाओं का भी घोर अभाव है। दिक्कत है, हम लोग बहुत पहले से हॉस्पिटल आ रहे हैं, सब कुछ बना हुआ नहीं था, अब तो बहुत बन गया। टिकट का भी व्यवस्था नहीं था उस टाइम से, हम लोग आ रहे हैं, मगर पानी का है ना शौचालय है, पानी और शौचालय नहीं है, हम लोग बहुत दिक्कत में आते हैं जाते हैं। इस जाम स्टेशन का नाम है बड़की चापी गोपी टोला, लेकिन स्टेशन यहाँ बन गया कमले में बन गया। यहाँ पे सुविधा के नाम पे आपको क्या मिल रहा है? सुविधा के नाम से तो कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ यही है कि वहाँ से आते हैं उतना दूर से आते हैं, ट्रेन भी पकड़ने हम आए हैं अपना गाड़ी घोड़ा से, या तो कोई चीज़ से हम आए तो आए ना भाई, हमको दूर जाना है तो कुछ भी करना है तो बिना टिकट नहीं कटवाएंगे तो हम जाएंगे कैसे? शौचालय की व्यवस्था है यहाँ पर? कहाँ, कुछ जगह नहीं है, नहीं लगता है किसी को शौचालय, तो कहाँ जाते हैं लोग? अब देखिए, अब तो कहाँ जाएगा, यहाँ शौचालय है ये नहीं है तो क्या उपाय है? शौचालय की जगह में कहीं इधर उधर मतलब कि है, इधर नदी नाला है। पीने की पानी की क्या समस्या है? पानी की समस्या कहाँ है, यहाँ जब टंकी भी नहीं बना है, नहीं पानी के साधन दिया है तो क्या बनाया है, कुछ बना है कुछ नहीं। प्याव है उसमें पानी आता है कि नहीं? जो प्याव बना हुआ उसमें पानी आता है कि नहीं? आता है, आता तो इतना दिक्कत नहीं होता है यहाँ पे। अब सवाल उठता है कि रेलवे की ओर से करोड़ों रुपए खर्च कर स्टेशन का निर्माण करवाया गया, ट्रेन का ठहराव भी होता है और लोग इस स्टेशन के जरिए यात्रा भी करते हैं, फिर इस रेलवे स्टेशन को बेराम स्टेशन के तौर पर आखिर क्यों छोड़ दिया गया है? लोहरदगा से लाइव 7 के लिए अमर गोस्वामी की रिपोर्ट। अभी हमने आपको दिखाया झारखंड का एक ऐसा स्टेशन जो बेनाम है, बेचारा ऐसा स्टेशन जिस पर आज तक नाम लिखा ही नहीं जा सका, उस स्टेशन को भी नहीं पता कि वो कौन सा स्टेशन है। स्टेशन मास्टर तो बताते हैं कि बड़की चांपी है, लेकिन यात्री जाकर पूछते हैं बार बार कि सर कौन सा स्टेशन पर पहुंचे हैं, बड़की चांपी यही है, तब स्टेशन मास्टर को बताना पड़ता है हाँ बड़की चांपी यही है। आखिर इतना ज़्यादा नज़रअंदाज एक स्टेशन को क्यों कर दिया गया है, वो भी उस स्टेशन को जब लोहरदगा से काफ़ी अंदर है बड़की चांपी, सुदूर इलाके में ट्रांसपोर्टेशन में करोड़ों खर्च हुए होंगे, बहुत मुश्किल से वहां सामान पहुंचाया जा सका होगा। आम जनता की जरूरत को ध्यान में रखकर सरकार ने, रेलवे ने सर्वे कर रिपोर्ट सौंपी होगी, रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ होगा, करोड़ों रुपए फूंक कर रेलवे स्टेशन बना दिया गया, लेकिन बनाने के बाद जब लोगों को जाना होता है वहां तो लोगों को यह समझ में ही नहीं आता कि टिकट किस नाम से कटाएं, क्योंकि जो स्टेशन पर खड़ा होगा अगर वो लोकल आदमी नहीं है तो वो कभी नहीं समझ पाएगा कि वो किस जगह पर खड़ा है। हाँ, अगर आप जब रेलवे की लिस्ट देखेंगे तो उसमें आपको बड़की चांपी दिखेगा, लेकिन बड़की चांपी स्टेशन है कहाँ ये पता नहीं चलता है। मैंने आपको शुरू में भी बताया, मैंने आपको सुनाया भी, यात्रियों की भी पीड़ा सुनाई, स्टेशन मास्टर की भी बात सुनाई, और मैंने आपको रांची के DRM जसप्रीत सिंह मिंद्रा से भी बात की थी मैंने अभी थोड़ी देर पहले, उनसे भी जब मैंने बात की तो उन्होंने भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। उनका ये कहना था कि वो भी गए थे, उनकी भी जानकारी में है कि वहाँ एक स्टेशन है, वहाँ स्टेशन पर भी गए और वहाँ नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन नाम क्यों नहीं लिखा हुआ है इस बारे में कह पाने में वो बिल्कुल ही सक्षम नहीं थे। जब मैंने उनसे पूछा कि जनता के करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए हैं रेलवे स्टेशन बनाने में और उसके बाद आखिर नामांकन नहीं किया जा रहा है, लोग तकलीफ में हैं, यात्री बड़की चांपी लोहरदगा की जगह पलामू तक पहुंच जा रहे हैं, तो उनका जवाब था कि मैं देखता हूं इसमें क्या समस्या है। हमारे साथ लोहरदगा से संवाददाता अमर गोस्वामी जुड़े हुए हैं। अमर, आप तक मेरी आवाज जा रही है? अमर, क्या मामला है, ये जो बेनाम स्टेशन है ये कौन सा स्टेशन है, इसका नाम क्या है, आप वहां के स्थानीय रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं, क्या नाम है इस स्टेशन का और आज तक इसका नामांकन क्यों नहीं हो सका है? अमर,
दो गांवों के बीच में जो है वो विवाद उत्पन्न है, बस्ती और एक गांव है, दोनों गांवों को लेकर जो है आपसी तालमेल नहीं है। इसी कारण से जो है आज तक उस रेलवे स्टेशन जो है वो आज गुमनाम है। जो बड़की जापी के नाम से लोग जो यहाँ के स्थायी लोग हैं वो बड़की जापी के नाम से जानते हैं, लेकिन जो दोनों गांवों के बीच में जो तालमेल है वो नहीं बन पा रही, जिसके कारण जो रेलवे है रेलवे का भी साहस नहीं हो पा रहा है कि मैं क्या नाम दूँ, क्योंकि ग्रामीणों का वहाँ स्थानीय ग्रामीणों का ये भी कह रहा है कि बड़की चापी और जो और एक गांव है वो दोनों का नाम छोड़कर आप कुछ भी नाम दे दीजिए, हमें कोई भी एतराज नहीं है। इसी को लेकर जो है नाम को लेकर विवाद उत्पन्न हो रही दो गांवों के बीच का विवाद है ये समझ में आता है, लेकिन रेलवे सरकारी विभाग है, केंद्र सरकार सीधे सीधे रेलवे की मॉनिटर करती है और करोड़ों रुपए फूके जा चुके हैं, उसके बाद आज तक नामांकन नहीं हो सका। क्या लोग कन्विंस करने को तैयार नहीं है या अधिकारियों ने अभी तक शुरुआत भी नहीं की है? अमर देखिए, रेलवे के अगर अधिकारी की बात की जाए तो कुछ वर्ष पूर्व जो है रेलवे और जो स्थानीय ग्रामीण है उन लोगों के बीच में बैठक हुई थी, जिसमें नाम लिखने को लेकर चर्चाएं भी हुई थी, लेकिन हो सके रेलवे कुछ पहल कर सकती है। यहाँ पे हिंडाल्को कंपनी जो है वो अब जो है बड़की चापी में शिफ्ट हो रही है और वहाँ रेलवे स्टेशन भी जो नजदीक है वहाँ से, तो हो सके आने वाले भविष्य में जो है इसके नाम रखा सकती है। अमर 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 जो हम लोगों को लग रहा है, जो मैंने अभी बात की जसमीत सिंह बिंद्रा से, रांची रेल डिवीजन के जो DRM हैं मैंने उनसे बात की, उनका कहना है कि मुझे भी जानकारी है लेकिन एक्चुअल में मामला क्या है मुझे नहीं पता। तो इसका मतलब है कि जो बात आप बता रहे हैं वो अभी तक कागजों पर उतरी ही नहीं है, कागजों पर ये विभाग को सूचित ही नहीं किया गया है कि दो गांवों के बीच के विवाद के चलते नामांकन नहीं हो सक रहा है। अमर रेलवे की परिचालन शुरू हुई थी आज 2023 से, और कई बड़ी ट्रेनें जो है लोहरदगा के रास्ते यहां से गुजर रही है, रांची चौपन एक्सप्रेस है और कई अन्य राजधानी एक्सप्रेस जैसे बड़ी ट्रेनें भी इस रास्ते से गुजर रही, जो कि बड़की चापी रेलवे स्टेशन होते जा रहे, लेकिन रेलवे इसे और अभी भी ध्यान नहीं दे रही, उसको अच्छी पहल करते हुए जो गुमनाम रेलवे स्टेशन है जी उसका नाम रखना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही कि कई ऐसी महत्वपूर्ण ट्रेन है जो उस रूट से गुजरती है, कई ऐसी ट्रेन है, राजधानी भी कई बार उस रूट से गुजरती है और उसके बावजूद बीच में एक बेनाम गुमनाम रेलवे स्टेशन मिलता है। अमर आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस मामले में हमने शुरुआत की है, नजर बनाए रखिएगा कि रेलवे की नींद आखिर कब टूटती है। देखिए, यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर एक ऐसा रेलवे स्टेशन, वो भी राजधानी से सटे हुए लोहरदग्गा इलाके में ये स्टेशन है, लोहरदग्गा के बड़की चापी इलाके में स्टेशन है, उस गांव का नाम कमले गांव को बताते हैं, और दोनों गांव के विवाद के कारण, चूंकि दोनों गांव में विवाद है इसके चलते एक रेलवे स्टेशन का नामांकन नहीं हो सक रहा है, एक रेलवे स्टेशन को उसका नाम नहीं मिल रहा है और जिसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। अभी हमने आपको दिखाया राजधानी रांची से सटे हुए लोहरदग्गा जिले का एक ऐसा गुमनाम बेनाम स्टेशन जो अपने नाम के लिए तरस रहा है, पिछले 5 साल से उसका नामांकन नहीं किया गया है। समस्या ये है कि आम जनता यात्री परेशान हैं, हलकान हैं और रेलवे के पदाधिकारी अनजान हैं। जब पदाधिकारियों से पूछ रहा हूं तो कह रहे हैं जानकारी लेता हूं, देखते हैं कि रेलवे की नींद कब तक टूटती है। बहरहाल हमारी नजर इस खबर पर बनी रहेगी।